नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, नागपुर के नंदनवन पुलिस थाना अंतर्गत केडीके कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो बहुत फेमस है, प्रचलित है, और यहाँ सिर्फ नागपुर ही नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि भारत के अलग अलग राज्य से बच्चे पढ़ने आते हैं। और केडीके कॉलेज के जो आउटडोर है, जहाँ से आउट होती हैं गाड़ियाँ, फिर बच्चे आउट होते हैं, आउटडोर के ठीक अपोजिट में रोड के उस पार ताज पान पैलेस कॉर्नर पे है, और पान पैलेस की आड़ में, ठीक पान पैलेस के पीछे अवैध ऑनलाइन लॉटरी सेंटर है। सवाल ये उठता है कि अगर इस तरीके से कॉलेज के परिसर में, कॉलेज के गेट के सामने अगर अवैध ऑनलाइन लॉटरी सेंटर अगर शुरू होने से, तो क्या यहाँ के जो बच्चे पढ़ने आते हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो क्या सीखेंगे? और फिर दूसरे राज्य से महाराष्ट्र और नागपुर उप मुख्यमंत्री के जिले में आ करके क्या सीख के जाएंगे, अपने आप में बड़ा प्रश्न है। हम आपको सीधा लेकर चलते हैं अवैध, जहां ऑनलाइन अवैध लॉटरी सेंटर का काम शुरू है। दोस्तों, जिस जगह पर हम स्थित है, ये नंदनवन थाना क्षेत्र अंतर्गत केडीके कॉलेज के आउट गेट के ठीक सामने ताज पान पैलेस से दुकान देख रहे हैं। दुकान के ठीक सामने से दुकान और पीछे से कार्यक्रम, ऐसा बोल सकते हैं कि पीछे से पर्दा, और पर्दे के पीछे आप देख रहे हैं कि अवैध लॉटरी सेंटर है। जब इस लॉटरी के बारे में हमने जानकारी ली, तो इसमें भी किसी प्रकार का कोई GST नंबर नहीं है, और किसी सरकार के अंदर में आता है, किसी स्टेट के अंदर में आता है, ऐसी भी कोई जानकारी इसमें नहीं है। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि पूरी तरह से अवैध लॉटरी सेंटर यहाँ पे खुलेआम, एकदम बड़े रोड है, यहाँ पे 4 लाइन रोड है, और कॉलेज के ठीक सामने, रोड के ठीक बगल में हमेशा यहाँ पे कॉलेज के बच्चे आते हैं। जब कॉलेज के बच्चे यहाँ पे आएंगे, देखेंगे तो क्या सीख मिलेंगे, क्या समझेंगे, और क्या वो अभी से लॉटरी को देख के लॉटरी के आदि नहीं होंगे, अपने आप एक बड़ा प्रश्न उठता है। और इस बीच सवाल ये है कि आखिर नंदनवन पुलिस इस पे क्या कार्रवाई कर रही है, खुलेआम यहाँ पे अवैध लॉटरी सेंटर चल रहा है, इसके बावजूद पर अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। नागपुर शहर के अन्य लॉटरी सेंटर खुलासा BCN हमेशा करता रहेगा, इसके बाद आप जरूर देखते रहें BCN। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भारद्वाज के साथ मैं वीर सिंह। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि इस खबर के बाद, या फिर जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग की उसके बाद, हो सकता है कि इस अवैध ऑनलाइन लॉटरी सेंटर को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, या कुछ समय के लिए इसे बंद कर दिया जाए। लेकिन BCN की नज़र इस पे बनी हुई है, आखिर अगर वो शिफ्ट करते हैं तो कहाँ शिफ्ट करते हैं, और अगर वो बंद करके फिर से चालू करते हैं तो कितने दिनों के बाद चालू करते हैं। जो भी होगा, सच हम आप तक लेकर आएंगे। देखते रहें आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। जय हिंद।